पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के बादल, फजा मुजरे सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 746 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 718 तक जा पहुंचा। पिशावर 232, फैसलाबाद 239, इस्लामाबाद में AQI 252 रिकॉर्ड किया गया, जबकि रावलपिंडी में फजाई आलूदगी की शरह 217 रिकॉर्ड की गई है। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अहवाल उनसे जानेंगे। मुबीन, क्या सूरत हाल इस मौके की? स्मॉग की शहर लाहौर के अंदर बड़ी बदतरीन सूरत हाल है। ये सूबाई दारकूमत भी है पंजाब के, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के अंदर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त मौजूद है। स्मॉग की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसत शरह है तकरीबन 800 को टच करती नजर आ रही है। इस वक्त हम लिबर्टी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ पर किसी भी शहरी के लिए खड़े होना महाल है। गुज़िश्ता 2 माह के अंदर हमने देखा कि पंजाब या लाहौर के अंदर 2 लाख से ज़ायद जो है वो केसेज रिपोर्ट किए गए, जिसमें शहरों को सांस की बीमारियाँ, गले की बीमारी और मुख्तलिफ़ इस तरह के अमराज जो उसका सामना करना पड़ा। हुकूमत की तरफ से जो है कोई खातिर ख्वाह पॉलिसी भी अभी तक नहीं अपनाई गई। अंदिया जारी कर दिया जाता है कि मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, कल से जो है मार्केट्स भी 8 बजे बंद कर दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्मॉग के अंदर कोई खातिर ख्वाह कमी सामने नहीं आई है। हुकूमत की तरफ से ऐलान भी किया गया था कि मौसमी बारिश जाएगी, लेकिन अभी तक जो है मौसमी बारिश जो है वो शहरियों को नसीब नहीं हो सकी। और हमने देखा कि शहर में 2000 तक कल एयर क्वालिटी इंडेक्स पीक कर गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई खातिर ख्वाह सेटअप जो है हुकूमत की तरफ से नहीं सामने आया। ना ही हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थी वो पाकिस्तान में मौजूद थी, और ना ही वो पाकिस्तान में उनकी टीम मौजूद है जो कि माहौलियात की वजीर है, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और काफ़ी गंभीर सूरत हाल इस वक्त शहर लाहौर में मौसम की, शहरी जो है उस पर सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मसला है, ख़ास तौर पर अब क्योंकि फॉग भी शामिल हो चुकी है स्मॉग के अंदर, तो ज़्यादा लिथल कॉम्बिनेशन बन चुका है। पहले सिर्फ जो है वो सेहत की हद तक बात थी, अब जो है ट्रैवल करना भी मुश्किल हो चुका है। हद निगाह तकरीबन बिल्कुल सिफर होकर रह गई है, ना सिर्फ हाईवेज़ के ऊपर लेकिन आम शहराओं के ऊपर भी जो है वो इस हद तक स्मॉग और फॉग का मिक्सचर जो है नज़र आता है कि आम शहरों के लिए ट्रैवल करना भी मुश्किल हो चुका है। किसी भी आम शहरी को जो है बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पर बाइक पर ट्रैवल करने वाले अफराद के लिए, जो जो डेली वेजर्स होते हैं, जो मजदूर तबका है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई खातों को इंतजाम नहीं है। महकमा सेहत वालों की तरफ से भी अंदिया जारी किया गया, हदायत जारी की गई हैं कि कोशिश करें मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाए, वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि आंखों पर ठंडे पानी की छीटें भरें ताकि स्मॉग के जो असरात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म के अगर आपको कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जिसमें आपका गले के इन्फेक्शन है, फेफड़ों का मसला या आई इन्फेक्शन है, तो कोशिश करें फ़ौरन डॉक्टर्स को जो है फ़ौरन रुजू करें और इस बात को नॉन सीरियस ना लिया जाए। लेकिन अभी तक शहरों की सूरत इस तरह से है कि शहरी हमें स्मॉग को और फॉग को नॉन सीरियस लेते हुए नज़र आते हैं। शहरियों ने तमाम जो हदायात को हवा में उड़ा दिया है, ना मास्क इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। और इस वक्त भी अगर मैं बताता चलूँ कि रात गए भी जो लिबर्टी के अंदर जो है फैमिलीज़ मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, बिना मास्क इस्तेमाल किए जो है वो शहरी घूमते नज़र आते हैं, बाइक सवार मास्क इस्तेमाल नहीं करते। शहरियों ने बेसिकली हदायात को काफ़ी हद तक हवा में उड़ा दिया है, तो हुकूमत की तरफ से भी नेगलिजेंस है और साथ साथ शहरी भी जो है वो स्मॉग को बिल्कुल नॉन सीरियस लेते हुए लाहौर की तरफ में नज़र आते हैं। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं कि 6 से 7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की आ रही है। अच्छी खबरें हैं कि मईशत बेहतर हो रही है और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुश्किलात से जल्द निकलेगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, स्मोक के मसले को चंद साल में हल कर देंगे, माजी में स्मोक के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है, ओवरनाइट हम इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इकदाम उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाल्लाह ताला खत्म होगा। मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल मिशन है, इतना सब कुछ करने वाले और हम सब कुछ कर रहे हैं, इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा। स्मोक की बिगड़ती सूरतेहाल, पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद, 12वीं जमात तक की क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म, तमाम दफातर और इदारों में भी हाजिरी 50% करने की हिदायत कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर।
स्मोक के बढ़ते असरात के पेश नज़र पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद। 12वीं जमात तक की क्लासेस ऑनलाइन का हुक्म, महकमे स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राणा सिकंदर हयात कहते हैं, तालीमी नुकसान का एहसास है मगर तालीमी इदारे बंद करने का इकदाम मजबूरन उठा रहे हैं। बच्चों को स्मोक के मोहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ रहा है। अवाम को भी शऊर का मुजाहरा करना होगा, अपनी गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाए। उधर स्पेशल एजुकेशन के इदारों में असाज़ा को छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेरेंट टीचर मीटिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी समेत स्कूल ट्रिप ले जाने की भी इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब स्मोक का सबसे बड़ा मौजिब गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और ट्रैफिक की आलूदगी कंट्रोल करने के लिए महकमा तहफ्फुज़ माहौल का सख्त नोटिफिकेशन। सरकारी और नीम सरकारी इदारों में हाजिरी 50% तक रखने की हिदायत। 50% मुलाजिम घरों से ऑनलाइन जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। डी जी माहौलियात इमरान हामिद के मुताबिक सिर्फ इंतहाई जरूरी मीटिंग या इजलास फिजिकल किए जाएंगे। इसी तरह 4 डिवीजन्स के तमाम निजी दफातर के 50% अमले को भी घरों से काम करने का हुक्म। फैसले का इत्तला तमाम निजी दफातर, फ्रेंचाइजेज, एनजीओस पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में निजी दफातर का 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। निजी दफातर पर फैसले का इत्तला 13 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक होगा। स्मोक से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने हुकूमत को 10 साल पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 70 से 80% आलूदगी पैदा होती है। शादियों पर वन टिश की तरह सिर्फ एक फंक्शन की पॉलिसी बनाना होगी, इससे माशरती तकसीम में भी कमी होगी। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमने हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ की है। मौजूदा हुकूमत ने स्मोक के हवाले से गुज़श्ता हुकूमत की निस्बत बेहतर काम किया है मगर स्मोक से निपटने के लिए हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सोचना पड़ेगा कि लाहौर शहर के अंदर मौजूद इंडस्ट्री का क्या करना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि प्राइवेट तो छोड़ें, हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं आपको बता नहीं सकता। जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब जो स्मोग आ गई है ये खत्म नहीं होगी बल्कि जनवरी तक रहेगी। हुकूमत के लिए जागने का वक्त है, हमें आइंदा साल के लिए अभी से सोचना पड़ेगा। ये हुकूमत के करने के काम है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बयान दिया कि इस साल ये नहीं कर सकते कि शादी हॉल वालों को जाकर कहें कि कल से हॉल बंद होगा। प्लान बना रहे हैं कि अगले साल नवंबर दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। शहरियों से कहेंगे कि इन 2 माह में शादियां ना रखें। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि मोटरवे पुलिस ने अक्टूबर में 18,000 से जायद चालान और 45 मिलियन के जुर्माने किए हैं। ताजरों के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मॉल रोड पर मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहने। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है, पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं, यहाँ लोगों को रात देर तक घूमने की आदत है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऑर्डर जारी नहीं करूंगा, सब कुछ हुकूमत पर छोड़ती हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत से तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत मांगी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और कार्रवाई 16 नवम्बर तक मुलतवी कर दी।